अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1965 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे उनके पूर्वज सानड्य ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करके पश्चात काशी के किंग्स कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1984 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए इन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1989 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनों को हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद यह निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य एवं सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाट, अखिला फूल हिंदू भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाट, अध खिला फूल, रुक्मणी परिणाम, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी ने गद और पद दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता है और मधुरता आ सकती है। हरिओद जी में एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हरिओद जी का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविताएं की रचना कर सकते हैं। सन 16 मार्च 1947 में निजामाबाद में उनका देवावसन हो गया।